साबिक क्रिकेटर वकार यूनिस ने बतौर एडवाइजर क्रिकेट अफेयर्स पीसीबी चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू कर दिया है। ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को एज ए बॉलिंग कोच 3 बार रिप्रेजेंट कर चुका, एज ए हेड कोच 2 बार वकार यूनिस ने पाकिस्तान को सर्व किया, और उनका जो क्रिकेट कैरियर है एज ए प्लेयर एज ए हेड कोच फुल ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज है। उस प्लेयर को आपने अब सारे क्रिकेट के मामला दे दिए, तो आई होप क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन अब्दुल्ला एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। क्या भेड़ा गलत किया है आप लोगों ने, ना हमारा कप्तान परमानेंट है, ना हमारे प्लेयर परमानेंट है, ना हमारा कोच परमानेंट है, ना हमारे चेयरमैन परमानेंट है। पीसीबी का मतलब पता है क्या है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये पाकिस्तान कार्टून नेटवर्क बोर्ड है। हाँ, पाकिस्तान कॉमेडी क्रिकेट बोर्ड है। ये पुरानी चीजों को जो है वो रीशफलिंग कर रहा है क्रिकेट बोर्ड, और इसके अलावा भी तो क्रिकेटर्स हैं ना, ये क्रिकेट इन्हीं लोगों पे खत्म हो गई है। मामला जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आप देखें ना कि हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं है, वर्ल्ड कप देख लें, विमेन एशिया कप देख लें, बहुत सारी चीजें डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने आए हैं कि जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट में 4.5 अरब रुपए लगाए जाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शिकायत आ रही है। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हर बंदे से और उसको अच्छा वेलकम करना चाहिए। उन्होंने अभी कमान भी संभाल ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तमाम से चीजें देखने भी लग चुके हैं, वो मुशीर को मुकर हो ही चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो अभी क्रिकेट के मामला हैं, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, अभी स्क्वाड जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देना है, वो सबसे बड़ी जो उनकी पहली असाइनमेंट होगी। आप कोयले जलाकर उसके ऊपर बैठ जाएं और आप ये तो नहीं कह सकते कि आपका टेम्परेचर 16 पे रहेगा और आपका कमरा ठंडा रहेगा। मेरी नजर में सबसे ज्यादा फुद्दू डिसीजन है ना ये जो अब होने जा रहा है। अब आप ऐसा समझ लो कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो कुछ वो कहते हैं ना कि वो उजाले की कुछ हमें उम्मीद नजर आ रही थी, वो 1% वो भी अब खत्म होती नजर आ रही है। जब सीट के ऊपर नहीं होते ना तो यही खिलाड़ी आगे ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं कि उनसे तो बड़ा कोई एडवाइजर ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और जब वो सीट के ऊपर आते हैं तो ऐसे ऐसे फैसले करते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बेइंतहा नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो भगोड़ों को वापस बुलाते हैं, खुद ही भगाते हैं उनको, खुद ही वापस बुलाते हैं। वकार यूनुस को दोबारा बुला लिया, जो कि वहां प्रयास को निकाला था वापस बुलाया, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, दोबारा उसको कप्तान बना दिया। बंदे के कैरियर में ना, इस कोचिंग कैरियर में बहुत ज्यादा लोगों के कैरियर खत्म हुए हैं, आप उसको पीसीबी का चेयरमैन बना रहे हैं, मतलब किधर गई मोहसिन नकवी की वो धमकी। जी वकार यूनुस साहब सब ठीक कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वकार यूनुस साहब को पहले नहीं आजमाया गया, वकार यूनुस साहब को तो पहले आजमाया जा चुका है और 1 से ज्यादा मरतबा आजमाया जा चुका है। उनका अपना दौर जो आप कह रहे थे फुल ऑफ कंट्रोवर्सी है, आमिर जो थे वो अगर आपको याद होगा तो रिटायरमेंट उन्होंने वकार यूनुस और मिसबाह उल हक की वजह से ली थी, तो इसलिए एटीट्यूड प्रॉब्लम जो है वो प्लेयर्स और वकार यूनुस के दरमियान चलते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि उनको नई जिम्मेदारी दी गई है तो अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीद के साथ ही उनको ये सोचना चाहिए कि वकार यूनुस अब पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतर करेंगे। मोहसिन नकवी साहब को ये थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है आपने उनको एज एडवाइजर ले लिया है, मगर उनके अख्तियारात को थोड़ा सा चेक करना होगा कि आया जो है उनको अख्तियारात दिए हैं उसके ऊपर जो है क्या वो डिसीजन सही कर रहे हैं, ऐसे ना हो कि वहाब रियाज के बाद एक और गलती हम कर लें। यूनुस खान ने परवेज मुशर्रफ को याद कर लिया, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट तबाह हुई पड़ी है, तबाह नहीं हुई पड़ी, क्रिकेट इनके बीच खत्म हो गई है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कितना ज्यादा उतावला होते हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के कई बार हेड रह चुके वकार यूनिस को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपना पूरा ओहदा दे दिया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा बौखला गई है इस फैसले को लेकर कि मोहसिन नकवी ने ऐसे बंदे को क्यों लाया है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले भी काम कर चुका है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ, और उसका रवैया इतना ज्यादा ठीक नहीं है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब अच्छा हो सके। एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को एज ए बॉलिंग कोच 3 बार रिप्रेजेंट कर चुका, एज ए हेड कोच 2 बार वकार यूनुस ने पाकिस्तान को सर्व किया, और उनका जो क्रिकेट कैरियर है एज ए प्लेयर एज ए हेड कोच फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज है। उस प्लेयर को आपने अब सारे क्रिकेट के मामला दे दिए, तो आई होप क्योंकि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन अब्दुल्ला एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। हमें अगर हम दुनिया में इस वक्त नजर डालें, इंग्लैंड में इस तरह की एक शख्सियत है, उनके एक फॉर्मर क्रिकेटर है रॉबर्ट की, उनको उन्होंने क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दिए, वो क्रिकेट कमेंट्री करते थे क्रिकेट छोड़ने के बाद, वहां अब डायरेक्टर क्रिकेट बन गए। तो अब वकार यूनुस को जिस तरह के इख्तियारात मिले, मैंने अपने तौर पर अपने हाथे को घुमाने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं आज तक याद आया कि पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर को इस तरह सारे इख्तियारात दे दिए गए हों कि सिर्फ कप्तान की तकरूरी जो है वो फॉरेन कोचेस करेंगे, इसके अलावा जितने क्रिकेटिंग रिलेटेड फैसले हैं वो। इससे पहले तो रमीज राजा तो हिमसेल्फ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, सो वो यस क्रिकेटर तो वो भी थे, क्रिकेटर तो ये भी हैं, लेकिन क्या रिएक्शन आ रहा है जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो क्या कह रहे हैं कि जी वकार यूनुस साहब सब ठीक कर लेंगे,
ऐसा तो नहीं है कि वकार यूनुस साहब को पहले नहीं आजमाया गया, वकार यूनुस साहब को तो पहले आजमाया जा चुका। हमला जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट के बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ जा रहे हैं। आप देखें ना कि हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं है, वर्ल्ड कप देख लें, विमेन एशिया कप देख लें, बहुत सारी चीजें डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करने आए हैं कि जी आप डोमेस्टिक क्रिकेट में 4.5 अरब रुपए लगाए जाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारी शिकायत आ रही है, लोग जो है कंप्लेन कर रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट का मयार इतने पैसे लगाकर कैसे बेहतर किया जाएगा। तो शायद नफी साहब ने ये सोचा कि वकार यूनुस चूंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेले पाकिस्तान के लिए भी खेले, लेकिन ये बहुत बड़ा माजी के तनाजुर में देख लेते हैं ना, आप चुके हैं तो हमें क्या गम है। ये जो माजी के इनके फैसले थे, आपने कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज की तरफ इशारा किया कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज ऐसी रही उनसे जुड़ी और प्लेयर्स इसका इजहार भी करते रहे। आई रिमेम्बर अभी भी जब मुख्तलिफ पॉडकास्ट के अंदर प्लेयर्स बैठते हैं तो वो फॉर्मर प्लेयर्स इस बात का इजहार करते हैं वो क्या रही। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हर बंदे से और उसको अच्छा वेलकम करना चाहिए। उन्होंने अभी कमान भी संभाल ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तमाम से चीजें देखने भी लग चुके हैं, वो मुंशीद को मुकर्रर हो ही चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो अभी क्रिकेट के मामलात हैं, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, अभी स्क्वाड जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड तश्कील देना है वो सबसे बड़ी जो उनकी पहली असाइनमेंट होगी वो होनी है, फिर उसके बाद आगे जो मामला हैं कोचेस के साथ बैठकर आगे क्या करना है, किसको कप्तान रहना है और किसको नहीं रखना, वो तमाम तर फैसले वकार यूनुस के ऊपर मुनसर होते हैं। और ये चीजें देखें क्रिकेट के मामला अगर क्रिकेट जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से चलाते हैं तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छा होगा हम उसको अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। अगर पाकिस्तान के लिए इसी तरह ये चलता रहा, अगर क्रिकेटिंग मामला खराब रहे वकार यूनुस के बावजूद भी, तो फिर भी जो है देखें वकार यूनुस की वजह से काफी लोगों को क्रिकेटर्स को शिकायत रही है, उमर अकमल को शिकायत रही है, मुतद्दिद ऐसे क्रिकेटर्स थे जिनको शिकायत रही है, मोहम्मद आमिर जो थे वो अगर आपको याद होगा तो रिटायरमेंट उन्होंने वकार यूनुस और मिसबाह उल हक की वजह से ली थी। मोहसिन नकवी साहब को ये थोड़ा सा सोचना होगा, ठीक है आपने उनको एज एडवाइजर ले लिया है मगर उनके अख्तियारात को थोड़ा सा चेक करना होगा कि आया जो है उनको अख्तियारात दिए हैं उसके ऊपर जो है क्या वो डिसीजन सही कर रहे हैं, ऐसे ना हो कि वहाब रियाज के बाद एक और गलती हम कर लें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए कितनी ज्यादा मतलब बौखलाई हुई है कि आखिरकार कोई चेयरमैन अपना कार्यकाल पूरा क्यों नहीं करता। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लगभग एक साल के अंदर 3-4 चेयरमैन चेंज हुए हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस तरह से सरवाइव कर रही होगी और इनका क्रिकेट बोर्ड किस तरह से आगे बढ़ रहा होगा, कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है, ना इनका खिलाड़ी कोई किसी का मतलब स्टेबल है, ना इनके कोच स्टेबल है, ना इनका पीसीबी चेयरमैन स्टेबल है, इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का इतना ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। लेकिन ये इसको नहीं देखते कि हमारी क्रिकेट कैसे अच्छी हो सके, बल्कि ये हर रोज चेयरमैन चेंज करते हैं, हर रोज कोच चेंज करते हैं, हर रोज प्लेयर चेंज करते हैं, तो किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी हो सकती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कल अनाउंस किया कि हम अपना पूरा कार्यकाल पाकिस्तान के जो पहले वाला हेड कोच के रूप में कार्य कर चुके मतलब खिलाड़ी वकार यूनुस को दे दिया है। उनका कहना है कि अब ये वकार यूनुस हमारा मतलब क्रिकेट मैनेजमेंट संभालेंगे ताकि क्रिकेट को और बेहतर मतलब आगे बढ़ाया जा सके और अच्छे से इसको मतलब सर्कुलेट किया जा सके। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहसिन नकवी जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम अपने टीम मतलब अपने चेयरमैन पर से ऐसे ऐसे फैसले करेंगे जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम आगे जा सके, जिससे पाकिस्तान टीम की मतलब बढ़ोतरी हो सके, लेकिन उसने मतलब हार मान गया और अपने मतलब पीसीबी चेयरमैन से स्टेप डाउन कर दिया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों का कितना ज्यादा बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन फिर भी ये कंपेयर करते हैं भारतीय बोर्ड से बीसीसीआई से। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।